press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास और अधिकारिता विभाग की ओर से अमृत हाट मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 9 से 13 मार्च तक चलेगा। अमृत हाट की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय बीएल रमन की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी ऋषि राज सिंगल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांवरलाल नागौरा सहित नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारी सिंगल ने बताया कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले साल की तरह इस बार भी कंपनी बाग में अमृत हाट मेले का आयोजन किया जाएगा। महिला अधिकारिता विभाग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाता है। उसमें विभाग ने पिछली बार एक नवाचार किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो भी सामग्री और उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनके विपणन और उनके मार्केट लिंकेज के लिए और उनके प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर अमृता हाट आयोजित किए जाएं। अलवर ज़िले में पिछली बार अमृता हाट बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा था। उसी कड़ी में माननीय मंत्री महोदया ने विगत वर्ष ही अलवर ज़िले में पुनः अमृता हाट आयोजन करने के निर्देश दिए थे, उसकी घोषणा की थी। उसी की अनुपालना में 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अमृता हाट अलवर ज़िले में आयोजित किया जाएगा। आज अमृता हाट आयोजन की जो कमेटी है श्रीमान जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, वो मीटिंग श्रीमान एडीएम सेकंड साहब की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई, जिसमें मेला स्थल के रूप में कंपनी गार्डन का चयन किया गया है और विभिन्न व्यवस्थाएं वहां पर स्टॉल्स की, पानी की है, महिलाओं के रहने खाने की हैं, ये सब व्यवस्थाएँ निश्चित करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी वहाँ पर जो उपस्थित रहे उनको निर्देश जारी किए गए हैं। तो हम प्रयास यही करेंगे कि अलवर ज़िले में पुनः एक बार महिलाओं को अवसर मिला है, आमजन को अवसर मिला है कि महिलाओं के द्वारा जो बिल्कुल अपने हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उन सब में आप आएँ और उन सामानों को खरीदें ताकि आपको रुचिकर सामग्री वहाँ देखने को भी मिले और उन महिलाओं का भी आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। तो पुनः मैं मेरे सभी अलवर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मेले में आएँ और मेले का लाभ उठाएँ।